इस स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की प्रतिमा अभी अभी हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और डंडी स्वामी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। मैं अभी वहां जाकर आया हूं। अगर दूर से देखते हैं तो ये प्रतिमा दूर से देखते ही अद्भुत आत्मा को शांति देती है, चित्त को प्रसन्नता करती है और मन को आह्लाद कर देती है। मगर जैसे ही नजदीक जाते हैं और वो हॉल से होकर रामानुजाचार्य का संदेश देश की सभी भाषाओं में सभी मुमुक्षुओं को मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो स्वामी जी ने की है उसको ग्राह्य करते 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 समय निकालकर जब ऊपर जाकर रामानुजाचार्य के विराट मूर्ति का दर्शन होता है, तब मालूम होता है कि हम कितने बड़े महापुरुष को प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवद रामानुजाचार्य ये पूरे देश पूरी दुनिया के लिए इक्वालिटी का समता का जो संदेश दिया वो इस मार्ग के बाद युगों युगों तक न केवल भारत समग्र विश्व में ये अपना संदेश सनातन धर्म का संदेश फैलाने का काम करेगा, उसका मुझे विश्वास है। भारत के इतिहास को महाभारत के पहले से लेकर रामायण काल से लेकर आज तक देखे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए कभी दैदीप्यमान स्वरूप से कभी आगे आने वाले स्वरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाह्य होने बगैर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता गया। हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया कोई ना कोई आया जिसने सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित की, दीप्यमान की और एक ज्ञान यात्रा को समग्र विश्व में आगे बढ़ाया। रामानुजाचार्य भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। आदि शंकर ने ढेर सारे मत मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्र छाया में देश को एक करने का, एक छत्री के नीचे लाने का काम किया और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। कई सारे कुरिवाज कुप्रथाएं कटु विरोध करे बगैर अपने कर्म से उन्होंने बदली। कई बार मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी धारा क्षुण रूप से कालबाह्य होए बगैर बहे ही जाती है। ऐसा क्या है, इसके अंदर अमृत तत्व क्या है। और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं, जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूं, ये जड़ता और अहंकार नहीं। हमारे यहां शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही, खंडन की व्यवस्था रही, मंडन की व्यवस्था रही और श्रेष्ठ को स्वीकारने की विनम्रता भी रही और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया। हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड़ गए हैं, मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचार्य यहाँ बैठे हैं। आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि यात्रा ना कभी रुकेगी ना कभी थमेगी और फिर से एक बार दिग्विजयी होकर पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगी। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर जो स्मारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी व्यवस्था करी है, वेद की 9 के 9 शाखाओं के अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से हो सके ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ से निकलेंगे, पूरे देश भर में फैलेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वेद के ज्ञान की सुगंध को, उसकी ज्योत को प्रज्वलित करते जाएंगे। और इसके साथ
रामानुजाचार्य का जो संदेश था, उनका जीवन का संदेश था, और इस संदेश को हर व्यक्ति समझ सके, इस प्रकार से यही स्मारक के साथ देश की सभी भाषाओं में करने प्रसारित करने का काम स्वामी जी ने किया है। मैं फिर से पुण्य पूज्य श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी को बहुत 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 समग्र देश की ओर से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब यहाँ पर 1035 कुंड के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हो रहा है, चारों वेद की 9 की 9 उपलब्ध शाखाओं का पाठ भी किया जा रहा है, अष्टाक्षरी मंत्र का 10 करोड़ जाप हो रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये धरती हमेशा के लिए कितनी पवित्र होने वाली है। इतिहास पुराणों और आगमों का भी पाठ हो रहा है, सभी प्रकार की पूजा व्यवस्था और पूजा पद्धति को भी समाहित और संरक्षित करने का भी यहाँ पर एक व्यवस्था किया गया है, और श्री रंगम के रंगनाथ, तिरुमाला के तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी सहित 108 प्रेरणा केंद्रों दिव्य देशों के अभिषेक से ये मूर्ति के आगे यज्ञ संपन्न हो रहा है। महाप्रसाद भी 24 घंटे भक्तों के लिए वितरित किया जा रहा है, और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो प्रयास है, आने वाले अनेक सालों तक स्वामी जी इसको पूरा देश याद रखेगा, सनातन धर्म के सभी अनुयायी, चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो, वो सभी इसको जरूर याद करेंगे, इसका अनुमोदना भी करेंगे। मेरा स्वामी जी से परिचय 2003 में गुजरात में जब भूकंप आया तब हुआ था। स्वामी जी चुपचाप कोई सुविधा, सरकारी सुविधा मांगे बगैर एक गांव पकड़कर बैठ गए थे और वो गांव को पूरा बनाकर ही वहां से। इसके बाद में भी मेरा 2 बार संपर्क आया, मैं वो गांव के उद्घाटन के लिए वहां कच्छ गया था जो स्वामी जी ने बनाया था, और उसके बाद भी जब जब भी मिला मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े काम करने की प्रेरणा स्वामी जी कहाँ से लाते हैं, और ईश्वर उनको पूरी करने की भी बहुत बड़ी क्षमता देता है। आज वैदिक परंपरा और संस्कृति की शिक्षा देने का आपने यहाँ पर जो काम शुरू किया है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँगा स्वामी जी, मेरी नित्य प्रार्थना का हिस्सा रहेगा कि ये काम अनेक युगों तक चलता रहे और सनातन धर्म की सेवा करता रहे। इतने सारे विद्वानों के सामने, इतने सारे संतों के सामने विशिष्टाद्वैत दर्शन पर मेरे लिए कुछ बोलना असंभव है। मैं जन्म से वैष्णव हूं और शुद्धाद्वैत का अनुयायी हूं। मेरी माता वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के आधार पर ही पूरा जीवन जी, मगर मैं यहाँ विशिष्टाद्वैत पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ना मेरी योग्यता है, ना इतने बड़े संतों के सामने मैं कुछ बोल सकता हूँ, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं आया हूँ तब मैं रामानुजाचार्य के लिए जरूर कुछ बात करना चाहूँ। हिंदू पंचांग में इसका चक्र 60 साल का होता है, और 60वां जन्मदिन षष्ठ अब्द पूर्ति के नाम से मनाया जाता है, और हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य के पूर्ण जीवन काल का अर्थ है 2 चक्र को जो जीवित रहता है, 120 साल के पूर्ण जीवन की कल्पना करी है, और रामानुजाचार्य ने भी 120 साल का पूर्ण आयुष्य इस पृथ्वी पर भोगा, और ईश्वर ने ही ढेर सारे कुरिवाजों को सनातन धर्म से बाहर निकालने के लिए और इतनी मधुरता के साथ अपने कर्तृत्व से बाहर निकालने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में ही यहाँ आकर हम सब के बीच में 120 साल अपना काम करने का एक प्रयास किया था, और इसी का परिणाम है कि आज सनातन धर्म पूरा एक होकर फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा में जा रहे हैं।
समाज में समता समरसता स्थापित करने के लिए द्वैत अद्वैत फिर विशिष्टाद्वैत, और उसमें भी आगे कई आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसकी मीमांसा की। ब्रह्म सूत्र के एक प्रकार से जटिल ज्ञान से लोकभोग्य ज्ञान को बनाने का काम इन आचार्यों ने किया, और इसी के माध्यम से आज अनेक लोग बहुत बड़ा ज्ञान न होने के बावजूद भी अपना जीवन वेद के बताए रास्तों पर जी रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने जो जीवन पद्धति को बताया उसी को आचरण में रखा, और आज ज्ञान न होने के बावजूद भी कई लोग वेद के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान रामानुजाचार्य जी का था। आदिशंकर के अद्वैत दर्शन, माध्वाचार्य के द्वैत दर्शन और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के कारण ही आज वैष्णव संप्रदाय ने अनेक प्रकार के जीवों को आगे बढ़ने का और वेद आधारित जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। रामानुजाचार्य ने मध्यम मार्ग को व्याख्यात करते हुए विशिष्टाद्वैत की अवधारणा दी और भारतीय समाज में एकत्व लाने का स्थापित करने का एक क्रांतिकारी काम किया। रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत दर्शन के कारण ही पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक सूत्र में बना। कई सारे भक्ति आंदोलनों के मूल ढूंढेंगे तो रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत के अंदर ही हमें मिलेंगे। मैं आगे इस पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हैं, रामानुजाचार्य के जीवन को इनके योगदान को सरल शब्दों में कुछ विभागों में अगर बांट देते हैं तो समता समरता समरसता एक, ज्ञान ग्रहण में समानता, सभी को ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार है, और ये भी उन्होंने प्रस्तापित किया जातिगत भेदभाव को भी उस जमाने में 1000 साल पहले समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी काम किया, क्षमता के अनुसार काम का विभाजन, पूजा के अधिकारों को भी 20 मंदिर के पूरे संचालन को 20 हिस्सों में बांटा और हर समाज को इसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया, भाषा की समानता को भी उन्होंने प्रस्तापित किया और मोक्ष के अधिकार को भी एक विशिष्ट वर्ग की जगह सब जीव को मोक्ष का अधिकार है अगर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, इसको भी उन्होंने किया। और एक मेरे एनालिसिस से मैं जुड़ा है, मैं बात को बताऊंगा, रामानुजाचार्य अपने आप में बहुत विनम्र थे परंतु वो विद्रोही भी थे। बहुत सारी कुप्रथाओं को इनके अंदर के विद्रोही आत्मा ने समाप्त करने का काम किया था। आज मैं यहाँ आया हूँ तब उन्होंने श्रीरंगम में संन्यास लेने के बाद रामानुजाचार्य शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे और कई सारे ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे 2 मूल ग्रंथ उनके बहुत लोकप्रिय हुए, श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रहम। उनके 9 ग्रंथ आज भी ढेर सारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, एक मेरा जन्म एक बहुत छोटे से कस्बे में हुआ है, मानसा करकर गुजरात से अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर गांव है, और मेरे गांव में 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है। ये 9 के 9 ग्रंथ वो लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है। संदेश किसी के कर्तृत्व का कितना दूर जाता है इसका ये उदाहरण है। श्री भाष्य वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रहम, श्री गीता भाष्य, नित्य ग्रंथ, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य और श्री वेंकुट गद्य, ये 9 के 9 ग्रंथ आज अनेक लाइब्रेरियों के अंदर उपस्थित है और कई जगह पे मुमुक्षु अपनी मुमुक्षा पिपासा को शांत करने का काम करते हैं। रामानुजाचार्य ने, मैंने जैसे पहले कहा, समता और समरसता का मैसेज अपने कर्तृत्व से दिया और उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य भी बनाया, सभी वर्ग के लोगों के वो भी स्वयं शिष्य करे। और
इसी में से आगे बढ़ते हुए रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, इससे आगे बढ़ते हुए इनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सूरदास भी हुए। और इस प्रकार से ज्ञान परंपरा न जाने कितने प्रदेशों में, कितने गांवों में पहुंची। अगर समता और समरसता का उन्होंने रास्ता न खोला होता तो कबीर दास को ये वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, रैदास को वेदों के रहस्यों की जानकारी कभी न मिलती, सूरदास को भी न मिलती। और गुरु गोष्ठीपूर्ण की कथा भी बहुत हम सबको प्रेरणा देने वाली है। एक बार कुछ मंत्र सीखने के लिए रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण की वहाँ गए, 18 बार जाने के बाद भी उनको उचित नहीं पाया। 19वीं बार जब गए तब उन्होंने कहा कि आपको मैं मंत्र तो सिखाता हूँ मगर तभी सिखाऊंगा जब अयोग्य के सामने आप उसका उच्चारण नहीं करोगे। रामानुजाचार्य ने उनसे मंत्र सिखा और मीनार के ऊपर चढ़कर जोर से वो मंत्र को बोले। नीचे आए गुरु गोष्ठीपूर्ण बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से के भाव के साथ कहा कि ये क्या किया तुम नरक में जाओगे। तो रामानुजाचार्य ने बाल सहज विनम्रता के साथ कहा, नरक में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनेक जीवात्माओं का कल्याण होता है तो मुझे नरक भी पसंद। और ये कहते ही गोष्ठीपूर्ण के पूरा गुस्सा शमन हो गया और उन्हें एम्पेरुनार मतलब मेरे भगवान ऐसा कहकर रामानुजाचार्य से गुरु ने स्वयं आशीर्वाद मांगे। जातिगत भेदभाव को भी रामानुजाचार्य ने समाप्त करने का काम किया। कांचीपूर्ण एक ब्राह्मणेतर जाति से, जब वो उनका शिष्य बनने के लिए गए तब उन्होंने कहा कि परंपरा ऐसी है आप ब्राह्मण हो, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया, यदि शास्त्रों का ज्ञान केवल ईश्वर की भक्ति की जगह अहंकार और अभिमान लाता है तो वह ज्ञान मिथ्या है, इससे बेहतर अज्ञानी रहना ही है। और उन्होंने बाद में उनके गुरु बनने की बात को स्वीकार किया। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसको एक्नोलेज करते हुए लिखा है, हिंदू धर्म में समता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण काम किया है और उनको व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया है तो वो संत रामानुजाचार्य ने ही किया है। उन्होंने कांचीपूर्ण नाम के एक गैर ब्राह्मण को अपना गुरु बनाकर एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में देने का प्रयास किया था। क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने का सबको अधिकार है, इस बात को उन्होंने व्यवहार से मंदिरों के प्रशासन के अंदर लागू किया। और उन्होंने प्रशासन के अंदर कई सारे 20 हिस्से बनाए और 20 हिस्सों में मंदिर की टोटल प्रशासन को बांटकर उन्होंने सब समाज के लोगों को 20 के 20 हिस्सों के साथ जोड़कर सर समाज को मंदिर के लिए कुछ करने का अधिकार देने का काम किया। इससे सारा समाज आज मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हमें देखता मिलता है। पूजा के अधिकार में भी उन्होंने समानता का अधिकार देने का काम किया। मेलकोट में अपने प्रवास के दौरान रामानुज ने देखा कि समाज के कुछ वर्गों के भक्तों को सामाजिक मानदंडों के कारण मंदिर के अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रथा से वो बहुत दुखी थे। उन्होंने पुरानी प्रथा में कोई बदलाव करे बगैर एक नई प्रथा शुरू की, किसी भी भक्त की पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर भगवान की पूजा करने की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया और घर पर भगवान की देवता स्वरूप की व्यक्तिगत पूजा को सरल और व्यवस्थित किया। मित्रों, जब हमें दिखता है कि भगवान को मंदिर की जगह घर में ले जाकर समाज के हर वर्ग को पूजा का अधिकार दिया, आगे चलकर जब आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त होने लगे, रामानुजाचार्य ने
भगवान को घर में रखकर पूजित करने की जो परंपराएं की थी, इसी के कारण हमारा सनातन धर्म आज बचा हुआ था। आज मेरे घर में भी राजभोग की सेवा लगी हुई है, मेरे घर में भी भगवान को भोग धराए जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम था जिन्होंने कपड़े से कपड़े समय के अंदर हमारे सनातन धर्म को टिकाने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम। महिला सशक्तिकरण के लिए भी भगवत रामानुजाचार्य ने ढेर सारे काम करे। तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझसे कई गुना ज्यादा ज्ञानी है। इसके बाद संत रामानुजाचार्य ने इस महिला को दीक्षा दी और उसकी मूर्ति बनाकर, एक दलित महिला की मूर्ति बनाकर मंदिर में प्रस्थापित कर समग्र सनातन धर्म के अनुयायियों को एक संदेश देने का काम उन्होंने किया। भाषा की समानता के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। संस्कृत भाषा के वेद, वेदांत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र साहित्य का सम्मान करते हैं, करते रहे, परंतु उन्होंने अजवारों के तमिल छंदों को भी मान देने की शुरुआत की और इसके अंदर भी वेद के ज्ञान को ट्रांसलेट करने का काम किया। रामानुजाचार्य ये दोनों भाषाओं को अपनी दोनों आँख मानते थे, इसके कारण ये प्रदेश के अंदर भी आज वेद बचा हुआ है। मोक्ष का अधिकार सिर्फ सन्यासियों को होता था, ऐसी कीर्दंती थी। रामानुजाचार्य ने बताया, अगर छोड़ना ही सन्यास है तो अपने जीवात्मा की रक्षा जो ईश्वर पर छोड़ देता है, अपने जीवन को, अपने भाग्य को ईश्वर पर छोड़ देता है, वह भी सन्यासी है और उसको भी मोक्ष का अधिकार है। अपनी सर्वस्व ईश्वर को सौंपने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकार होता है और सर्व वर्ण के सभी पुरुष और महिलाओं को मोक्ष के अधिकार का भी उन्होंने किया। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके पूरे जीवन में हमने तो देखा नहीं, ना सुना है, आज ना कोई रामानुजाचार्य से देखा हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, परंतु उनके जीवन से इतना मालूम पड़ता है कि बहुत विनम्रता के साथ बहुत सारी कुप्रथाओं को उन्होंने बदलने का काम किया। मगर वो आत्मा के अंदर, उनके आत्मा के अंदर कुप्रथाओं के प्रति विद्रोह का ही भाव था। विनम्रता और विद्रोह दो मिल जाते हैं तो सुधार जन्म लेता है। कुप्रथा को अविवेक करे बगैर अपने कर्तृत्व से बदलना, इसी को सुधार कहते हैं और ये काम भगवत रामानुजाचार्य ने किया है। और आज मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं देश भर के हिस्सों का मैंने भ्रमण किया है, देश भर के श्रद्धा केंद्रों के अंदर जाकर मैंने मेरा सर चुका है, कई सारे संप्रदायों में इसके मूल में जाते हैं तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत ही आता है। मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के मूल में जाएंगे तो आपको रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत मिलेगा। राजस्थान और गुजरात के वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो भी वो मिलेगा। मध्य भारत, बंगाल और मणिपुर के चैतन्य संप्रदाय में जाएंगे तो उसके मूल में भी ये मिलेगा। और असम के शंकरदेव और माधव देव के मूल में जाएंगे, उनके उपदेशों के मूल में जाएंगे तो भी आपको विशिष्ट अद्वैत मिलेगा। एक व्यक्ति ने जो सिद्धांत प्रतिपाद किया, जिसमें समानता का मूल मंत्र था, उसके देश के अनेक हिस्सों में, शायद रामानुजाचार्य अपने जीवन में कभी मणिपुर नहीं गए होंगे, ना आसाम गए होंगे, परंतु गुजरात के एक छोटे से गांव में भी जाएंगे तो आज वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी मिलेंगे। आसाम के अंतिम गांव में मैं गया हूँ जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है, वहां पर भी शंकर देव के अनुयायी मिलते हैं। और बंगाल के अंतिम गांव में भी गया हूँ, वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करने वाले लोग, भक्ति संप्रदाय के लोग मिलते हैं। स्वामी रामानंद के बारे में कौन नहीं जानता। स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में कबीरदास भी रहे, नाभादासी, सेननाई, पिपादास, सूरदास सहित 12 महापुरुषों की परंपरा भी रामानुज से ही उत्पन्न हुई है। इस परंपरा का गुणगान करते हुए कबीरदास जी ने एक दोहे में लिखा है, श्री नारायण मूल हमारे, रामानुज की साख,
रंगकार में रमता जो कि गुरु रामानंद ने भाग। एक व्यक्ति के जीवन से जो दक्षिण भारत में जन्मा, तमिलनाडु में जन्मा, उसने कबीरदास को प्रेरणा देने का काम किया और कबीरदास ने समाज के सभी निचले वर्गों को उठाने का काम किया। और आज मैं इतना जरूर कहता हूँ कि उन्होंने ढेर सारे मैनेजमेंट के लिए भी काम किए थे, मगर इसके बारे में जाने का अभी समय नहीं है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, विशिष्टाद्वैत का विशिष्टाद्वैत दर्शन और भक्ति संप्रदाय, ये दोनों जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक अक्षुण रहेंगे, कभी काल बाह्य नहीं होंगे। और स्वामी जी आपने बनाई हुई मूर्ति भी युगो युगों तक रामानुजाचार्य के संदेश को आगे बढ़ाती जाएगी। और पूज्य संतों और माताओं बहनों भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये विधि का ही आशीर्वाद है, विधाता का ही आशीर्वाद है कि जिस कालखंड में स्टैच्यू ऑफ इक्विटी बनता है, उसी कालखंड में राम मंदिर का भी पुनर्निर्माण, भव्य राम मंदिर का होता है। इसी कालखंड में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी 650 साल के बाद पुनरोद्धार होता है। इसी कालखंड में केदारधाम भी बनता है। इसी कालखंड के अंदर बद्रीधाम का भी पुनर्निर्माण का नींव डाला जाता है। एक कालखंड है जहां से सनातन धर्म को उठकर जागरूक होकर समग्र विश्व के अंदर अपने दैदीप्यमान ज्ञान को आगे बढ़ाना है मित्रों। और आज मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वामी जी ने निमंत्रित किया, मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूँगा। स्वामी जी आपने ये महान कार्य के अंदर मुझे जोड़ा और रामानुजाचार्य के लिए कुछ बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं मानता हूँ कि सालों सालों तक आपका बनाया हुआ रामानुजाचार्य का ये स्टैच्यू ऑफ इक्विटी विशिष्ट अद्वैत का संदेश विश्व भर को देगा, समानता का संदेश विश्व भर को देगा और सनातन धर्म का संदेश विश्व भर को देगा। फिर से एक बार समग्र देशवासियों की ओर से आपको प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।